फ्रॉक की डाइसेक्शन से पहले हमें इसको ब्योश करना पड़ता है, तो इसके लिए हम कॉटन को क्लोरोफॉर्म में अच्छी तरह से भिगोकर और उस बोतल में डाल देंगे जिसमें फ्रॉक मौजूद है। ये मैंने कॉटन को भिगोकर क्लोरोफॉर्म में और बोतल में डाल दिया। अब ये फ्रॉग जो है ये बेहोश हो चुका है और इसको अब हमने डाइसेक्शन से पहले अच्छी तरह से स्ट्रेच करना है। आप जितना अच्छा इसको स्ट्रेच करोगे उतने ही इसके जो ऑर्गन्स होंगे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकेंगे। तो आपने इसको पहले सबसे अच्छी तरह से स्ट्रेच कर देना है। बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद इसको हमने पिनअप करना होता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि आपने इसको अच्छे तरह से स्ट्रेच करना है। जितना ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच होगा ना प्रोमिनेंट ऑर्गन्स उतने ही ज़्यादा होंगे। तो अब हम इसको पिनअप करेंगे। पिनअप करने का तरीका यह है कि आपने इसको स्ट्रेच करके रख देना है और अबडोमिनल पार्ट इसका ऊपर वाली साइड पर रखना है। उसके बाद इसके लेग्स और आर्म्स जो हैं उसको पिनअप करना है और पिन्स इतनी स्ट्रॉन्गली आपने करनी है पिनअप करना है कि पिन्स जो हैं वो थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि वो निकलना शुरू हो जाती हैं या कोई भी मसला हो जाता है। तो इसकी स्किन जो है काफ़ी स्लिपरी है, इसका ध्यान रखना है आपने कि स्किन स्लिपरी है तो इसको ये ना हो कि आपके हाथों से ये बार बार निकल रहा हो। ये आपने इसको पिनअप कर देना है। पहले आप आर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, लेग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले तो आपने पिनअप कर लेना है। ये देख रहे हैं आप, इसके ये वेबिंग फुट कहलाते हैं। जिस तरह से हमारी उंगलियों के अंदर गैप्स होता है, इनके अंदर ये गैप नहीं है, वेबिंग फुट इसको कहा जाता है क्योंकि वेब्स बने होते हैं। तो आपने इनके वेब्स में पिन्स कर देनी है। और पिन अप करते हुए भी आपने ये ध्यान रखना है कि फ्रॉग जो है अच्छे से स्ट्रेच हुआ हुआ हो, इसकी बॉडी जो है वो ढीली नहीं होनी चाहिए। स्किन काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, उसकी वजह से थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आपने बहुत अच्छे से ये इसको पिन अप कर देना है। अच्छा, अब ये पिन अप हो गया। आपने कोशिश करनी है कि इसका अबडोमिनल पार्ट ऊपर वाली साइड पर हो। अगर आप ये अबडोमिनल पार्ट ऊपर वाली साइड पर रखते हैं तो आपको ऑर्गन्स जो होंगे वो अच्छे से नज़र आएंगे, लेकिन अगर इसकी बैक साइड जो बैकबोन वाली साइड है अगर उसको हम ऊपर रख दें तो हमें जो ऑर्गन्स होंगे वो अच्छे से नज़र नहीं आ सकेंगे क्योंकि वहाँ पर बैकबोन होती है। तो आपने सबसे पहले इसकी स्किन को पकड़ना है और स्किन को पकड़ने के बाद इसको छोटा सा टक लगाना है। आपने फोर्सेप्स से स्किन पकड़ ली और सर्जिकल सीजर का इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पर लोअर अबडोमिनल पार्ट पर छोटा सा टक लगा देना है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब ये आपने छोटा सा टक लगा दिया सर्जिकल सीजर की मदद से। अब आपने क्या करना है कि फोर्सेप्स से स्किन पकड़े रखना है और ये सर्जिकल सीजर से आपने इसकी जो स्किन है उसको वर्टिकली काटना शुरू कर देना है। सबसे पहले हमें क्योंकि स्किन जो है वो डाइसेक्ट करनी पड़ती है, तो आपने ये लोअर अबडोमिनल पार्ट से पकड़ा और वर्टिकली इसकी स्किन को डाइसेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये अब हमने लोअर अबडोमिनल पार्ट से इसके हेड तक तकरीबन जो इसकी स्किन है उसको डाइसेक्ट करना है और यहाँ तक हेड तक इसको डाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है कि इसके आर्म्स तक भी हमने स्किन को काटना है, क्योंकि इसलिए किया जाता है ताकि जो स्किन है वो अच्छे से खुल जाए, जो हमने डाइसेक्शन करनी है वो इजी हो सके। तो आपने इसके आर्म्स तक, ज़्यादा आगे तक नहीं जाना है, बस ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ तक कर देना, काट देना जहाँ तक इसकी स्किन आराम से खुल जाए। आपने इसी तरह से इस आर्म्स पर भी ये आप काट दो, ठीक है। ये इसकी स्किन हम डाइसेक्ट कर रहे हैं और सिमिलरली जो इसकी लेग्स हैं यहाँ पर भी आपने इसी तरह से स्किन को काट देना थोड़ा सा। और कोशिश करनी है स्किन काटते हुए कि जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज ना हो, इसके मसल्स नहीं कट होने चाहिए, सिर्फ स्किन जो है उसको आपने डाइसेक्ट करना है अभी फ़िलहाल। ये अब हम इसकी स्किन उतारेंगे आराम सुकून से। मसल्स नहीं इसके डैमेज होने चाहिए, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज नहीं होने चाहिए,
आपने सिर्फ इसकी स्किन को साफ़ करना है, उतार देना है। तो सेम इसी तरह से ध्यान रखते हुए कि इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज ना हो, आपने इसकी स्किन जो है वो साफ़ कर देनी है। अब हम इसकी स्किन को साफ़ कर चुके हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, काट भी सकते हो क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। इसको दो तरीके हैं कि आप पिनअप भी कर सकते हो साइड पे करके और काट भी सकते हो, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हो। तो मैंने ये स्किन काट दी है और जो थोड़ी बहुत बची इसको पिनअप कर दिया। अब इसके बाद आपने इसकी थाई से टक स्टार्ट करना है और इसका जो एब्डोमिनल पार्ट है, मसल्स जो है एब्डोमिनल मसल्स, उनको काटते जाना है और क्लेविकल तक पहुँचना है। ये जो पार्ट है, ये दो हड्डियाँ, ये इसको क्लेविकल कहा जाता है, कॉलर बोन कहा जाता है। तो आपने इसको कट करना है, ठीक है, इसको कट करना है आपने आराम सुकून से। इंटरनल ऑर्गन्स मैं फिर उससे बता रहा हूँ कि डैमेज नहीं होने चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो लंग्स हैं वो पंचर हो जाते हैं, तो उसको बचाना है। सिमिलरली आपने इस साइड से भी थाई से कट स्टार्ट करना है और इंटरनल ऑर्गन्स को बचाते हुए आपने इसके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं उनको काटते जाना है, ठीक है। और इसको भी काटते हुए आपने क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन तक आना है और कॉलर बोन को भी कट करना है। कॉलर बोन्स तक पहुंचते हुए आपने ये ध्यान रखना होता है कि क्योंकि लंग्स इसी जगह पर होते हैं तो लंग्स पंक्चर नहीं होने चाहिए। अक्सर ऐसा होता है लंग्स पंक्चर हो जाते हैं तो वो हमें फिर हम उसको देख नहीं सकते। अच्छा, अब ये जो आपको ये नज़र आ रही हैं, ये जहाँ पर मेरी उंगलियाँ आ रही हैं, इसको हम कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है, क्लेविकल इसका नाम है। तो ये इसको आपने आराम से काटना है और ये जो क्लेविकल्स हैं ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो आपने अब क्या करना है कि स्टर्नम को काटना है और उसके लिए आपने हेड पर किसी फोर्सेप या किसी भी चीज़ की मदद से आपने हेड पर रखना है ताकि वो फ्रॉक जो है वो पिन से निकल ना जाए, और आपने स्टर्नम को अब काट देना है, ठीक है, और ये बहुत आराम सुकून से करना है। अब ये स्टर्नम को हमने काट दिया है, ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये स्टर्नम अब कट चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि स्टर्नम को बहुत आराम से उतारना है। इससे क्या होगा कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे वो स्ट्रेच होने के बाद प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ये आपने इसको निकाल दिया, ये जो आपको येलो कलर की ऑरेंजिश कलर की नज़र आ रही हैं ये फैट बॉडीज़ हैं, और फैट बॉडीज़ पहचान होती हैं कि ये मेल फ्रॉग है क्योंकि इसके अंदर हमको ओवरीज नज़र नहीं आ रही हैं, और ये फैट बॉडीज़ एक पहचान है कि ये जो फ्रॉग है। ये जो दो ऑर्गन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके लंग्स हैं। लंग्स आपने देख सकते हैं कि गुब्बारे की तरह के लंग्स हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन की इन्हेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन होती है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट से और गुब्बारे, ठीक है, ये इसके दो लंग्स हो गए, लेफ्ट एंड राइट। और ये जो आपको ग्रीनिश कलर की बॉल नज़र आ रही है, ये वाली, ये ग्रीनिश कलर की जो बॉल है इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये वाली ग्रीनिश बॉल, ये गॉल ब्लैडर हो गई। ये इसका हार्ट है सेंटर में, ये अभी तक बीट भी कर रहा है, आप देख सकते हैं इसकी बीटिंग अभी तक हो रही है। ये वाला जो ऑर्गन है ये इसका हार्ट है सेंटर में, ये नज़र आ रहा होगा, इसको साफ़ कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखें जी, ये वाला, ठीक है, ये इसके लंग्स हो गए हैं, ये इसकी फैट बॉडीज़ हो गई, ये जो बॉल ग्रीनिश थी ये इसका गॉल ब्लैडर था, और ये जो आपको ब्राउनिश कलर के ये नज़र आ रहे हैं ये इसका लीवर है, और फ्रॉग का लीवर जो है ये ट्राईलोब्ड होता है, ठीक है। अब ये जो आपको ऑर्गन नज़र आ रहा है एक, ये ब्लैक कलर की बॉल नज़र आ रही होगी, इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं ताकि जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोमिनेंट हो सकें, अच्छे से नज़र आएँ। ये जो येलो कलर की थी ये फैट बॉडीज़ थी और ये मेल फ्रॉग्स में होती हैं, ठीक है। ये जो है इसकी इंटेस्टाइंस हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको सेपरेट कर लेते हैं, ज़रा अच्छे से साफ़ नज़र आ जाएगा। ये जो मैं अलग कर रहा हूँ ये नज़र आ रही होंगी आपको, ये इसकी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनिशियल पार्ट है ड्यूडिनम कहलाता है और ये इलियम पर एंड होने के बाद आगे अटैच होती हैं। अच्छा, तो ये इसके जो ऑर्गन्स है ये जो मैं सेपरेट कर रहा हूँ ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये जो आपको वाइट कलर का ये ऑर्गन नज़र आ रहा है ये इसका स्टमक है, ठीक है। वाइट कलर का जो ये फूड खाता है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होता है, डाइजेशन होती है इसके अंदर, ये वाइट कलर का ऑर्गन जी इसका स्टमक है, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये इसके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, फैट बॉडीज़ को साइड पर करके ज़रा आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको ये ऑर्गन है ये वाला, मैं ज़रा साफ़ कर दूँ आपको अच्छे से नज़र आएगा,
यहाँ पर जी इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इसके लंग्स हो गए हैं, और इसको जब अगर आप हटाते हो ना तो आपको एक और बॉल नज़र आती है ब्लैकिश कलर की, वो इसका स्प्लीन है। ये ऑर्गन्स आप देख रहे हो, ये लंग्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा गुब्बारे की तरह के ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल खाली हैं, यानी कि जो सांस लेने के काम आते हैं ऑक्सीजन की इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन के लिए, इसको हमने डाइसेक्ट करते हुए बचाना होता है कि ये पंक्चर ना हो। अब आप देख रहे हो कि ये बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं, पंक्चर हो जाते तो हमें नज़र ना आते, ठीक है। ये इनको साइड पर करते हैं ज़रा। अब ये जो आपको नज़र आ रही है स्टेम फोर्सेप्स के अंदर मौजूद हैं, ये इसकी आर्टरीज़ हैं, ये इसकी आर्टरीज़ हैं, और आगे इसको ज़रा साफ़ करते हैं। ये जो स्टेम फोर्सेप्स के अंदर मौजूद हैं, ये ज़रा वीडियो में अच्छे से नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन रियल में असल नज़र आ रही हैं, ये आर्टरीज़ हैं इसकी। और ये अच्छा, अब मैं आपको ज़रा ये वीडियो को जूम करके दिखाओ ज़रा, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार, सारे ऑर्गन्स के दोबारा से नाम बता देता हूँ और कौन सा ऑर्गन कहाँ पर मौजूद है और उसका क्या नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये सेंटर में इसका हार्ट हो गया, ये वाइट कलर का जो है ये इसकी स्टमक है, ठीक है। और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, ये जो इस टाइम मेरे हाथ में है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फैट बॉडीज़ हैं येलो येलोइश कलर की। और उसके बाद यहाँ से ये जो इस टाइम मेरे हाथ में है ये जो ब्लैकिश कलर का रेडिश कलर का ये ऑर्गन है बॉल है, ये स्प्लीन कहलाती है, और ये ग्रीनिश कलर की जो है ये इसका गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये इसका गॉल ब्लैडर हो गया, ये फैट बॉडीज़ हैं। और उसके बाद ये देख रहे हैं इस टाइम मेरे हाथ में ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये वाला जो ऑर्गन है आपको ये नज़र आ रहा है ये इसका आगे से स्टार्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद रेक्टम होता है, वहाँ पर स्टोरेज होती है वेस्ट मटेरियल की। ये टोटल जी आपका फ्रॉग के डिसेक्शन थी।